कठुआ कांड में रोजाना नए नए राजों की परतें खुल रही हैं, कभी फॉरेंसिक रिपोर्ट से तो कभी इस कांड को लेकर ही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कठुआ कांड की शिकार नाबालिग की जो फोटो देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आखिर उस बच्ची की हत्या से पहले वह फोटो खींच कर किसने वायरल की। यह सवाल अनेक लोगों के दिलो दिमाग में कोद रहा होगा। दुनिया भर में कठुआ कांड पीड़ित की जो तस्वीर वायरल हो रही है, उसमें उसने वही कपड़े पहने जो जघन्य अपराध करके उसको जंगल में मार कर फेंक दिया था। उस दौरान उसके शरीर पर यही कपड़े हैं जो फोटो वायरल हो रही है। सवाल ये उठता है कि दुष्कर्म एवं हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई व्यक्ति खुद ऐसा क्यों करेगा, तो यह काम किसने और किसके इशारों पर किया है। इस फोटो में दिखाई दे रहे नाबालिग के चेहरे को हथियार बनाकर एजेंडे के तहत इसे देश विदेश में वायरल किया गया और इस पूरे कांड का सांप्रदायिकीकरण रंग दिया गया। लेकिन जांच में इस बात पर एक बार भी नहीं सोचा गया और न ही सवाल उठाए गए। वहीं राज्य सरकार ने कठुआ रेप कांड को किस तरह से हैंडल किया, उस पर शोरों से ही अभी तक सवाल उठाए जा रहे हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।